इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने जान लिया था कि कैपेसिटीज कैपेसिटी ऑफ पैलर प्लेट कैपेसिटर पे डायलैक्ट्रिक, यानी कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा जब हम डायलैक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर डाल देंगे तो, यानी कि अगर तो कोई दो प्लेट पैलर प्लेट कैपेसिटर है, यानी कि दो पैलर प्लेट है और उसमें हम डायलैक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क आएगा। तो आज हम जानेंगे कि कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब है, कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब है और उस पे फोर्स क्या लगेगा अगर हम उसको जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब हम उसे ले जाएंगे तो वो किस फोर्स क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उन जो चार्जेस हैं कैपेसिटर पे उनकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर होगा उसे फोर्स फाइंड करने का। मान लो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में आपको फील आना चाहिए कि हाँ ये इस पे फोर्स लगेगा, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पास वाले चार्ज और दूर वाले चार्ज ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ये भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे आपको फील आ रहा है कि हाँ फोर्स लगेगा कैपेसिटर्स पे, लेकिन एक चीज याद करो कि हम लोगों ने माना था कि फील्ड जीरो होता है किसी भी, यानी कि फील्ड आउटसाइड जीरो होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के, तो ये एक अरेंजमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है एंड प्लेट्स के एंड पे, तो वो फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पैरेलल डायलैक्ट्रिक एक्सपीरियंस करता है, लेकिन जो हमने माना रखा था, जो हमने अजम्पशन माना था कि पैरेलल प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म होता है और आउटसाइड जीरो होता है, तो अगर इससे देखें तो हमारा फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा डायलैक्ट्रिक पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो DL यानी कि उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, यानी कि वर्क डन जीरो, यानी कि फोर्स उस पर कोई होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा केस नहीं है, जो हमारी ये फ्रिंजिंग इफेक्ट्स है उसकी वजह से फोर्स डायलैक्ट्रिक पे लगेगा, तो फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से ये फोर्स कुछ इस तरह लगेगा, लेकिन जब हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला फोर्स आ जाएगा जो कि इसकी तरह बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ से फील आना चाहिए कि हाँ फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से एक फोर्स लगेगा, जो हमने अजम्पशन माना था वो हमारा सही नहीं था, लेकिन जो कैलकुलेशन के पर्पज से हमारा वो, यानी कि इतनी नेग्लिजिबल वैल्यू आती है आउटसाइड तो हम उसे जीरो मान सकते हैं, और जो ये रीज़न है इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीजन, यानी कि जहाँ एंड प्लेट्स पे जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है उस रीजन को बोलते हैं हम फ्रिंजिंग रीजन। तो ये फील आ गया कि आपको हाँ इतना फोर्स लगता है, अब हम यही फोर्स निकालेंगे कि कितना फोर्स, क्या वैल्यू होगी उस फोर्स की जो फोर्स लग रहा है। तो मान लो पहला केस ये है कि जो प्लेट्स हैं उस पर चार्ज कॉन्स्टेंट है, चार्ज कॉन्स्टेंट का मतलब बैटरी डिसकनेक्टेड है, चार्ज का आदान प्रदान कहीं भी नहीं हो रहा, ये वाला केस है। तो यहाँ पे ये बैटरी डिसकनेक्टेड है, हमने इसको चार्ज क्यू दे दिया इनिशियली, चार्ज क्यू दे दिया इनिशियली, और पोटेंशियल इनिशियली मान लो वी होगा, पोटेंशियल इनिशियली मान लो वी होगा, और मान लो कि जो कोई बंदा है, मान लो मैं ही हूँ, मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक एफ एम ई, यानी कि एफ मी, एक एफ एम ई फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि एफ मी फोर्स लगा रहा हूँ, उस फोर्स से जो वर्क डन होगा, यानी कि पहले इस डायलैक्ट्रिक को बाहर निकालने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो एफ डॉट डी एक्स होगा, अगर मैं इनफाइनाइट सिमल डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर पाता हूँ तो एफ एम ई इंटू डी एक्स, तो ये जो डी डब्ल्यू होगा एफ एम ई डी एक्स होगा। लेकिन हमारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स अंदर की तरफ जो जा रहा है, तो एफ एम ई इज इक्वल टू माइनस एफ होगा, तो एफ एम ई इज इक्वल टू माइनस एफ होगा,
डी तो जब यहाँ से हम एफ निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू माइनस के डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो अब ये एक चीज़ याद करो, जब हमने वर्क एनर्जी पढ़ा था तो एफ इज इक्वल टू माइनस के डी यू अपॉन डी आर, देखा होगा ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यही यानी कि सिमिलर है, हम ये डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं बजाय ड्राइव करने के। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के डी यू बाई डी आर। यू क्या होता था? एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड। तो इस केस में कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी होती है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, अगर चार्ज कॉन्स्टेंट है तो। जब चार्ज कॉन्स्टेंट है, जब हम डब्ल्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन अपॉन सी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स। ये एक्सप्रेशन आ गया, और जब हम क्यू अपॉन सी इक्वल टू वी रख देंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हाफ ऑफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। ये हमारा फोर्स लगेगा किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, जब हम उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ले जाएंगे। अब दूसरा केस निकल के आता है कि मान लो कि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है। तो इस केस में क्या हमारा चार्ज कॉन्स्टेंट था, इस केस में चार्ज कॉन्स्टेंट था, अब इसमें पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन इस केस में, इस वाले केस में क्या हुआ था? पहले केस में हुआ था कि कोई भी और कोई दूसरा सोर्स नहीं था काम करने के लिए, काम सिर्फ इस वाले फोर्स ने किया, काम सिर्फ एफ एम ई ने किया। लेकिन यहां पर एफ एम ई भी काम करेगा, और जो कि बैटरी, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रख रहे हैं तो ये कोई बैटरी होनी चाहिए और बैटरी भी काम करेगी। तो उन दोनों की वजह से जो काम होगा, उन दोनों की वजह से काम होगा, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, फिर इन दोनों के इफेक्ट की वजह से जो पोटेंशियल, जो फोर्स लगेगा वो होगा। लेकिन इस केस में सिर्फ सिर्फ एफ एम ही वर्क कर रहा था, इसमें बैटरी भी वर्क करेगी। तो इक्वेशन कुछ इस तरह होगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एम ई डी एक्स प्लस के वी डी क्यू, और यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सी वी होगा क्योंकि वी ये और क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, यानी कि जब एफ एम ई की जगह हम माइनस एफ रख देंगे क्योंकि एफ एम ई हमारा उधर लग रहा है और एफ एफ इधर लग रहा है, तो एफ माइनस के एफ डी एक्स हो जाएगा प्लस वी डी क्यू। वी डी क्यू जब हो जाएगा तो जो ये एक्सप्रेशन आएगा एफ का, क्योंकि जब हम डी एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एफ इज इक्वल टू माइनस के डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस के वी डी क्यू बाई डी एक्स। और डी क्यू बाई डी एक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, डी क्यू बाई डी एक्स क्या होगा? वी कॉन्स्टेंट है हमारा, तो वी डी सी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आया माइनस के हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू हाफ सी हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। अरे ये क्या हुआ, ये तो दोनों सेम फॉर्मूले आ गए। तो इससे क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये है कि चाहे हम चार्ज कांस्टेंट रखें चाहे हम पोटेंशियल कांस्टेंट रखें, फोर्स डाइलेक्ट्रिक पर उतना ही लगेगा। ये मैटर नहीं करता कि चार्ज कांस्टेंट रह रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है। तो याद रखना कि फोर्स डाइलेक्ट्रिक पे उतना ही लगेगा दोनों केसेस में, हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इस पर बेस, इस पर बेस्ड एक। मान लो ये केस है, हम डाइलेक्ट्रिक को लेके आए, डाइलेक्ट्रिक हम ला रहे हैं, तो मान लो किसी इंस्टेंट पे हम एक्स डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक आ गया है, एक्स डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक आ गया है। तो इस केस को हम इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से चार्ज आएगा तो हम इसको पैरेलल में मान सकते हैं। तो ये यहाँ तक को हम बोल देते हैं सी वन, और यहाँ के नीचे को हम बोल देते हैं सी टू, और सी वन सी टू दोनों एक्स पर डिपेंड करेंगे। और सी वन सी टू एक्स पर कैसे डिपेंड करेंगे? सी वन की वैल्यू मान लो, अगर क्योंकि ये हमने इसका बनाया टॉप व्यू, जब हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे, आइसोमेट्रिक के व्यू क्या होता है? जो 3D व्यू, जब हम इसके 3D व्यू में देखेंगे तो जो हमारी विड्थ होगी वो हमारी W होगा, और इसकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D,
और लेट्स अज्यूम कि ये एक्स तक आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया ये एक्स तक आ गया, तो इसका एरिया क्या होगा, डब्लू इंटू एक्स, प्लेट्स का एरिया डब्लू इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ होगी ये ब्रेथ, तो डब्लू इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट, और जो हम जानते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, डब्लू ये हो गया ए, ये एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि जब उसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है और उसके बीच का सेपरेशन डी। अब सी टू क्या होगा, इस केस में डब्लू तो सेम ही रहेगा लेकिन एल माइनस एक्स चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी और एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, हम जानते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू होती है। जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू आएगी हमारी डब्लू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एल प्लस एक्स के माइनस वन इंटू डी। जब डी सी बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, एल कॉन्स्टेंट है और एक्स का वन हो जाएगा, तो डी सी बाई डी एक्स हमारा डब्लू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के माइनस वन आ जाएगा। और इसको हम एफ इज इक्वल टू वन बाई टू वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स रखेंगे, मान लो इनिशियल पोटेंशियल वी था, तो अगर हम आप वी सी वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल था जो हम सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी के और वेरिएबल्स होंगे बहुत सारे कि कैसे क्या एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ बेसिक ये है कि चाहे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट हो चाहे चार्ज कॉन्स्टेंट हो, उस पर फोर्स उतना ही लगना है, वो मैटर नहीं करेगा कि आप चार्ज कॉन्स्टेंट रख रहे हैं या पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कोरोनर डिस्चार्ज के बारे में, जानेंगे कि कोरोनर डिस्चार्ज क्या होता है, और हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।